अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट टिप्स के बारे में जो कि हमें हेल्पफुल होंगी अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करने में। तो जनाब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रिपेयर योर ग्रॉसरी लिस्ट। जी हाँ, ग्रॉसरी लिस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक क्लियर पाथ बता देगी, एक रास्ता बता देगी जिस पर आप आसानी से चल सकेंगे। और ये लिस्ट क्या होगी, ये आप उसी टाइम पे शॉपिंग पे जाने से पहले नहीं बनाएंगे, बल्कि ये थ्रू आउट द मंथ आप बनाते रहेंगे। मींस कि आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करते रहेंगे, जो चीज़ ख़त्म होने वाली है या जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वो उस पे साथ ही साथ मेंशन करते जाइए। तो आपकी ऑलरेडी जब आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो पहले से बिफोर हैंड आपकी जो लिस्ट है वो प्रिपेयर्ड रहेगी और वो एक हैसल फ्री आपके लिए टाइम होगा। और इससे क्या होगा कि जब आपके पास एक पूरा क्लियर पिक्चर होगी अपनी इन्वेंट्री की, तो आपका ग्रॉसरी करना बहुत आसान हो जाएगा और बजट के अंदर रहते हुए आप शॉपिंग कर सकेंगे। ये सेकेंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, दैट इज़ कि रोटेट योर न्यूएस्ट आइटम टू द बैक। अब होता क्या है कि जब हम ग्रॉसरी करके लेकर आते हैं तो हम जल्दी जल्दी कैबिनेट्स में चीज़ें रख देते हैं फ्रंट पे। अब बैक पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसकी एक्सपायरी और जो फ्रंट पे पड़ी हुई एक्सपायरी, उसकी ऑब्वियसली फ़र्क आ जाता है। तो हमने करना क्या है, हमारा ये रूल होना चाहिए कि जो ही हम लेकर आएँ कैबिनेट में, हमने कोई चीज़ें रखनी हैं तो हम जो नया लेकर आए हैं आइटम, सेम आइटम। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं बिरयानी का एक पैकेट लेकर आई हूँ और मेरे पास ऑलरेडी बिरयानी मसाले का एक पैकेट पड़ा है, तो मैं क्या करूँगी कि जो मैं नया पैकेट लेकर आई हूँ वो मैं बैक साइड पर रख दूँगी और जो पुराना पड़ा हुआ है वो मैं फ्रंट साइड पर रख दूँगी। इससे होगा क्या कि जब मैं बना रही हूँगी खाना तो मैं वो आगे वाला ही पैकेट उठाऊँगी और उसको यूज़ करूँगी, तो मेरा पीछे वाला पैकेट जो है वो एक्सपायर नहीं होगा। ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव टिप है, ज़रूर फॉलो करिएगा। थर्ड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ कि चेक सप्लाईज़ रेगुलरली। अब होता क्या है कि अक्सर हमारे एक्सपायर हो जाते हैं फूड आइटम्स और हमें पता ही नहीं होता। अगर आप चेक रखेंगी तो इससे क्या होगा कि जब आप परचेज़ कर रही होंगी तो आप सिर्फ वही आइटम परचेज़ करेंगी जो आपके चाहिए होंगे, और इससे क्या होगा, आपका एक तो बजट कंट्रोल में रहेगा, सेकेंडली आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करेंगी और आपको फिर संभालना मुश्किल नहीं होगा। इस वजह से लेस इज़ मोर वाला फॉर्मूला अपनाइए, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉक अपने पास मत रखिए। फोर्थ टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, दैट इज़ के कीप रेगुलर यूज़ आइटम एट आई लेवल। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो जैसे अब हमारे स्पाइसेस हैं, मोस्टली जब हम यूज़ करते हैं तो हमने स्टोव के पास जब काम कर रहे हैं तब हमने इस्तेमाल करना है, तो हम जो स्टोव के पास वाली कैबिनेट है वहाँ पर अपने स्पाइसेस को रखना है ताकि जब भी हम खाना प्रिपेयर कर रहे हों तो हम इजीली अपने वो तमाम के तमाम स्पाइसेस निकालें और हम उसको यूज़ कर लें और हमें कोई हैसल ना हो, हमें कोई मुश्किल ना हो। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ कि जब आप ग्रॉसरी करते हैं या शॉपिंग करते हैं और उसके बाद जब आप काउंटर पे करने के लिए जाते हैं, मोस्टली तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कैश एंड कैरी को यूज़ करते हैं, तो कैश एंड कैरी में जब हम बेल्ट के ऊपर चीज़ें रख रहे होते हैं तो हम ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो ग्रुप्ड की शक्ल में रखें। जैसे एसेट्स हैं तो वो हम साथ में रख दें, खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो हम साथ में रख दें, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम साथ पे रख दें, जैम्स, जेलीज, केचप्स वगैरह हैं वो हम अलग से ग्रुप बना दें। अब होगा क्या कि जब वो बैग्स में डाल रहे होंगे तो वो उसी तरह से ग्रुपिंग के साथ चीज़ों को डालेंगे। जब ग्रुपिंग के साथ चीज़ें डालेंगे तो हम जब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए शॉपिंग बैग से निकाल रहे होंगे चीज़ें, तो हमारे लिए इजी होगा कि हम उनको आसानी के साथ हर चीज़ को उसकी जगह पर वापस रख सकें। अगर हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब कैचअप हमारा इस बैग में है, हमारा जो चिली सॉस है वो दूसरे बैग में है, तो जब हम निकालेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैसल भी क्रिएट कर देती हैं। इसलिए जब आप शॉपिंग करें तो वहीं पर शॉप के ऊपर ही आप ऐसे करें कि ग्रुपिंग करके चीज़ों को सॉर्टिंग करके बैग्स के अंदर डालिए और जब आप घर आएंगे तो आप आसानी से उनको संभाल लीजिए। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ यूज़ क्लियर स्टोरेज कंटेनर्स। अगर आपके स्टोरेज कंटेनर्स ट्रांसपेरेंट हैं, क्लियर हैं, तो क्या होगा कि एक तो आपको चीज़ पता चल जाएगी कि आपके पास कितनी रह गई है, वो आपको बार बार खोल के चेक नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको नज़र आ रहा है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें सब वो कैबिनेट खोलेंगे तो आपको सामने नज़र आ जाएगा सब कुछ कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। थर्डली क्या होता है कि हमारे स्पाइसेस डिफरेंट कलर के हैं, दालें डिफरेंट कलर की हैं, तो ये सब जो है ना ये कलर ऐड होते हैं और ये कलर जो है ना आपके इन्हेंस करते हैं एस्थेटिक को और आप खाना अच्छा बनाएंगे जब आपका मूड अच्छा होगा।
हर चीज़ का एक घर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चीज़ों को ग्रुपिंग के साथ रखिए, जैसे अगर आपका पास्ता पड़ा है तो सारे काइंड्स ऑफ पास्ता एक ही जगह पे होने चाहिए। अगर आपके स्पाइसेस हैं तो वो सारे स्पाइसेस एक जगह होने चाहिए। अब अगर कोई चीज़ ऐसी है, जैसे अगर कोई शक्कर है या चीनी है, अब वो हम एकदम से तो सारे कंटेनर में नहीं डालते हैं, आप डालिए और जो आपकी एक्स्ट्रा चीनी है या एक्स्ट्रा दालें हैं या कोई भी चीज़ आपकी पैकेट्स में बच जाती है तो आप उसको स्टेपल करिए, और आपका एक ऐसा हो जहाँ ड्रॉअर ऐसा हो, आपका एक कैबिनेट ऐसा हो जिसके अंदर वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हों, ताकि जब आपने रीफिल करना है तो आप वहाँ से उठाइए और ईज़िली आप यूज़ करिए। इसी तरह से ये जो आपके क्लीनिंग सप्लाइज़ हैं, एसिड्स हैं, शैम्पूज़ हैं, सोप्स हैं, ये सब एक जगह पर पड़े हों, ताकि आपके घर के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और उनकी ज़िंदगी भी आसान। नेक्स्ट टिप ये है कि जो आपके फ्रेश वेजिटेबल्स हैं या एग्स हैं, इन सबको वॉश करके प्रॉपरली और फिर आप स्टोर करिए, ताकि जब आपने यूज़ करना है तो आप उसको ईजीली बस निकालें और इस्तेमाल करें। आज की जो लास्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ कि आलू और प्याज एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए इनको साथ में मत रखिए, साथ में टच ना हो रहे हों। अगर ये टच होंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए अगर आपके पास एक बास्केट है, जैसे मेरे पास एक बास्केट है, तो मैं बीच में एक पेपर, ब्राउन पेपर रख के एक साइड पे आलू और एक साइड पे प्याज रख देती हूँ। इस तरह से ये ख़राब नहीं होते। तो जनाब, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।